जनपद में रविवार को उस समय हड़कंप मच गया जब धीमी बारिश के साथ हाईटेंशन तार टूटकर कई मकानों पर जा गिरा। लेकिन गनीमत ये रही कि जानमाल की हानि नहीं हुई, लेकिन हादसे के दौरान कुछ व्यक्ति करंट की चपेट में आ गए। दरअसल मामला बुढ़ाना कस्बे के शफीपुर पट्टी का है, जहां धीमी बरसात में अचानक हाईटेंशन तार जर्जर स्थिति में होने के कारण टूट कर कई मकानों पर जा गिरा। वहीं बस्ती के बीचों बीच हाईटेंशन तार के गिरने से मकानों में करंट आ गया और कई लोग करंट की चपेट में आ गए। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही विद्युत विभाग की टीम प्रशासन के साथ घटनास्थल पर पहुंची और मौके पर निरीक्षण करते हुए बिजली की समस्या का समाधान कराने का आश्वासन और आर्थिक मदद का भरोसा दिया। हालांकि हाईटेंशन तार को लेकर ये समस्या पिछले कई सालों से बनी आ रही है। वहीं लोगों का आरोप है कि उन्होंने स्थानीय प्रशासन को काफी बार शिकायत की, लेकिन इस बार हाईटेंशन तार को बस्ती के बीच से नहीं हटाया जा रहा है। आपका नाम? वसीम। क्या हुआ है, आप इतना नुकसान हुआ है, क्या मामला है? ये प्लेन टूटी थी, इसमें तरह टूटा रहा था सारे घरों में और सारा बहुत नुकसान है। मुर्गी के बच्चे मर गए, सारे बच्चे भी बहुत पड़ोसी ले गए निकाल निकाल के। क्या कोई हादसा भी हुआ है, कोई कोई लड़का भी झुलसा हो या कोई लड़के? आखिरकार क्या परेशानी है जो तार टूटा हुआ है? ये हटाते ही नहीं, जी ने 100 दफे कह लिया हटा नहीं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।